मंगलवार रात आखिरकार नीता पटेरिया का दर्द खुलकर सामने आ ही गया। भाजपा के इस महिला नेत्री ने खुद को पाक साफ बताते हुए मीडिया पर खुद को गलत तरीके से प्रचारित करने का आरोप लगा डाला। सिवनी के पीजी कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कही। दरअसल पिछले दिनों सिवनी में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक और भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नीता पटेरिया पर पूजा की थाली से पैसे उठाने का आरोप लगा था। कार्यक्रम था स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री नाना भाऊ मोहले का। मीडिया में इस घटना का वीडियो फुटेज प्रसारित होने के बाद हंगामा भी मचा था और कांग्रेस ने काफी आरोप लगाए थे। प्रदेश में इस घटना को लेकर राजनीति भी खूब गर्माई थी। इस घटना के बाद चर्चा में आए पटेरिया ने पहली बार खुलकर अपना पक्ष सामने रखा। उन्होंने वीडियो पर मिक्सिंग का आरोप लगाते हुए उस घटना को हास्य विनोद का कार्यक्रम बता डाला। हम किसी के पक्ष या विपक्ष में खबर कभी नहीं चलाते और हमारा केवल मुद्दा जो रहता है, जो खबर है उसको दिखाना होता है। और इसमें कांग्रेस, हम आपको फिर से बता दें कि इसमें पूरे मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाए थे जो हमने दिखाया था, और बाद में हमने नीता पटेरिया का भी बयान अपने दर्शकों के सामने रखा था। शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी दिया। और